नोटिस में लाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल गंदी है, बिल्कुल गलत है ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ पर एक स्कीम चली है पोल्यूशन में, यहाँ पर लैंड ली जा सकती है, वहाँ पर इसको स्टोरेज किया जाता है। अब आज बात ये बिल्कुल किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जितनी गंदगी जो है प्लीज आपको सुनाई देनी है, बस आपको सुनाई देनी चाहिए, बस दैट्स ऑल, आई एम हैप्पी। बात यह है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है जितनी भी गंदगी जो है बसोरी की, खासकर फ्लैश सिस्टम, वो सारा इस डैम में जाता है, पानी में जाता है, और वही पानी जो है वो हमें सप्लाई होता है पीने के लिए। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है, लोग बीमार हो रहे हैं, इतनी बीमारी बसोली में है। यहाँ पर हमारी BMO साहब बैठी हैं, शायद इनको भी किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा एक इंजीनियर के साथ संपर्क हुआ, वो इसी डिपार्टमेंट में है, अब ये स्कीम चली है पोल्यूशन की, उसने मुझे कहा कि आप किसी बसोली के अच्छे से आदि इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास भेजे, खैर हमने रसोई को रखा है इस सिस्टम में, तो हम आपसे यही वो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ जो पोल्यूशन का डिपार्टमेंट जो है, ये नया डिपार्टमेंट आया, नई स्कीम आई है, उस तक ले जाए ताकि हम लोग जो है इस बीमारी से बच सके। तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बाकी सूचने तो बहुत है, निधनशील तो बहुत है, लेकिन मुझे टाइम ताकि मुझे टाइम मिला है कम है, दूसरे के बहुत मसले हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस बात को अगर आप ऊपर पहुंचा लें तो आगे मैं भी कुछ कोशिश करूंगा, मैं भी किसी को कहूंगा, उसके पांव पड़ूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, सिरके नहीं है, पहले शरीर है। सर जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, दो चीजें इंसान के लिए बहुत जरूरी है, एक चिकित्सा, दूसरी हेल्थ। जिस इंसान को दो चीजें दो नहीं मिलती है, डेवलपमेंट नहीं हो सकती है मुल्क। मैं आपको भविष्य कह देता हूं, डेवलपमेंट तभी होगी जब दोनों चीजें मिलेगी। तो आप देख रहे हैं, आप हम पर कृपा करें, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ, मैंने भी सर्विस किया है डिपार्टमेंट में, बच्चों को पढ़ाया है, हमने गलत काम नहीं किए हैं। तो मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी ये डीप रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जरूर आगे ले जाए। आप आए हैं तो ये माई टाउन माई प्राइड जो है, ये सभी के लिए मुबारक की बात है। ये स्कीम जो चल रही है ये बहुत अच्छी है, किसी ने चलाई है, और शायद आगे नहीं चले, जब चले ये बहुत है, डायरेक्ट रास्ता जो है वो पब्लिक से हो रहा है। जय हिंद।